भाई क्यों नाकन चबा रहे हो? बस वैसे ही। क्या को भूख लगी है? नहीं तो आप लोग के घर मेरा कटा कौन है? है भाई, एक मिनट बैठो, मेरी बात सुनो। अच्छा भाई, आपको मैं ये बता रहा था कि इन नाकन के अंदर ज्यादा सीम होते हैं भाई, जिसकी वजह से हमें बीमारियां लग सकती हैं। नाखून काटने का सही और सुन्नत तरीका, अगर आप पहले पांव के नाखून काटेंगे वो इस तरह काटेंगे, जैसे ये दोनों हाथ हैं, सीधे पांव की उंगली से शुरू करेंगे और आगे तरतीब से काटते जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। हाथ के नाखून काटने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जैसे दबाव के लिए हाथ उठाते हैं, दाएं हाथ का अंगूठा ऐसे कर लें, फिर इस फिंगर से तरतीब के साथ शुरू करेंगे। जैसे दबाव के लिए हाथ उठाते हैं तो दाएं हाथ का अंगूठा ऐसे करेंगे, बाकी इस उंगली से नाखून काटना शुरू करेंगे और फिर दूसरे हाथ की उंगलियों के नाखून काटेंगे, आखिर में ये बाएं हाथ का अंगूठे का नाखून उतारेंगे और इसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून उतारेंगे। बाकी एक और बात मैं आपको बता दूं, आग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुध के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, उससे बर्फ का मर्ज हो सकता है। ये वो मर्ज है जिससे इंसान के जिस्म पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। भाई मेरी बातों समझ आई है? जी हाँ भाई, हमें समझ आई है, हम इन बातों पर हम अमल करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हर नई आने वाली वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।